Hi guys, how are you all doing? Hope you are all doing good. This is my channel Biology Classes. आज मैं डिस्कस करूंगी हरियाणा की प्रमुख झीलें. क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से कई बार और बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, तो मैं कुछ ट्रिक्स के साथ और कुछ विदाउट ट्रिक ये झीलें पूरी कवर करूंगी. लेट्स स्टार्ट. ब्रह्म सरोवर, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ब्रह्म सरोवर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है और ये काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है. कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था तो काफ़ी पवित्र नदी है ये. और इस नदी की पवित्रता को अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भी वर्णित किया है. ठीक है, नेक्स्ट है सनीहित. सनीहित ये भी थानेश्वर में ही है, कुरुक्षेत्र में. और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सरस्वती की सात नदियों का ये मिलन स्थल है और इस मिलन स्थल पर ये झील बनी हुई है. यहाँ पर अमावस्या के दिन स्नान प्रसिद्ध है और पिंडदान भी इसी नदी में किया जा सॉरी इसी झील में किया जाता है. तो यहाँ पर अगर देखें कुरुक्षेत्र, ये रहा कुरुक्षेत्र, मैप में भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट है हथिनी कुंड. अब देखो इसमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि तीनों एक ट्रिक के साथ ही हो जाएंगे. हथिनी कुंड, ताजे वाला बैराज और पथराला बांध. अब देखो हथिनी कुंड, अब हाथी जो होते हैं वो पानी पीने कहाँ जाते हैं? यमुना में, यमुना नदी के किनारे. अब यमुना यानी यमुना नगर, और यमुना नदी का पानी कैसा है? ताज़ा. तो हथिनी कुंड जो है ताजे वाला बांध पर बनी हुई झील है और ताजे वाला बैराज ये बांध ही है. इसको भी पूछ लेते हैं कई बार क्योंकि दो चार ही बांध हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, तो मैंने इसके साथ ही कवर कर लिए हैं. ताजे वाला बैराज पूछे तो ये भी यमुनानगर में, और इस ताजे वाला बैराज या फिर ये कहीं ताजे वाला बांध पे कौन सी झील है? हथिनी कुंड. नेक्स्ट है पथराला बांध, तो ये भी यमुनानगर में है और यमुनानगर यानी यमुना नदी, और यमुना नदी अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी बहा कर लाती है तो पत्थर से बना पथराला बांध. तो ये दो तो बांध हैं और ये हथिनी कुंड है, ये एक झील है. नेक्स्ट है करण झील. करण और करनाल एक जैसे नाम है, करण झील करनाल, और ये बनवाई गई थी 1972 में. नेक्स्ट है तिलियार झील रोहतक. तिलियार कहाँ है? रोहतक में. नेक्स्ट है बड़खल झील. बड़खल, अब बड़ से यानी बड़ी, बड़ी क्या करते हैं हम? फरियाद करते हैं. तो बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में. और ये एक प्राकृतिक झील है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच में है. तो हमने यहाँ पर दो तीन जगह के देखे हैं. यमुनानगर, यमुनानगर अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये है सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, और फिर देखा करनाल, तो करनाल है ये यहाँ पर, ये करनाल, और फिर देखा है रोहतक, तो ये है यहाँ पर रोहतक, और लास्ट से फरीदाबाद, तो ये रहा फरीदाबाद. चलिए नेक्स्ट झीलें देखते हैं. सूरज कुंड. सूरज कुंड झील है फरीदाबाद में. अब सूरज है, सूरज भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा तारा है तभी तुम्हें दिखता है सूरज. तो सूरज भी कहाँ है? बड़ी फरियाद करते हैं, यानी बड़खल झील की तरह सूरज झील, सूरज कुंड झील भी कहाँ है? फरीदाबाद में. और अभी रिसेंटली यहाँ पे फरवरी में अभी एक मेला भी लगेगा, फेस्टिवल होता है सूरज कुंड फेस्टिवल 32वां, और उसके लिए थीम राज्य है यूपी. अर्थ क्या है इसका? सूर्य की झील, यानी सूर्य जो देवता है उसको समर्पित है ये, और राजा सूरज पाल तोमर ने बनवाई थी. नेक्स्ट है अनंगपुर झील, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में. अनंगपुर, अनंगपुर कहाँ है? फरीदाबाद में. तो अंग आ रहा है ना हमें, अनंग, अंग, अंग भी क्या होते हैं? बड़े बड़े, जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, फिर उनसे उत्तक बनते हैं और फिर उनसे अंग बनते हैं, तो अंग भी बड़े होते हैं. तो यहाँ पे बड़ी क्या करते हैं? फरियाद करते हैं. तो तीनों झीलें याद हो जाएंगी, बड़खल झील, सूरज कुंड झील और अनंगपुर झील. ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में. मैप में ये यहाँ पर है फरीदाबाद. नेक्स्ट आती हैं गुरुग्राम की कुछ झीलें. अब गुरुग्राम में यानी कि जिसका नाम पहले गुड़गांव था, काफ़ी सारी झीलें हैं तो इनको याद कैसे रखेंगे? दमदमा झील. अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें बारबेट झील करवाऊंगी, फिर से ट्रिक बन जाएगी. बारबेट झील कहाँ है? सोहना में. कहाँ है? सोहना. तो बारबेट, इससे एक साउंड निकल रही है, बार बैठ, बाहर बैठ, यानी कि बाहर बैठ. सोना है मुझे, क्या करना है? सोना है. तो बारबेट झील कहाँ है? सोहना. अब इसमें गुरुग्राम ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है, सोहना ही ऑप्शन मिलता है, तो सोहना. बारबेट कहाँ है? सोहना में. अब सोएंगे
तो सोते टाइम क्या होता है, कई बार अगर ओढ़ के सो रहे हैं सर्दियों में तो दम घुटने लग जाता है। तो क्या घुटने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है। तो दम दमा झील कहाँ है, सोहना में, ये भी कहाँ है, सोहना गुरुग्राम में। और ये जो दमदमा झील है, दमदमा झील ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील, जैसे बोलते हैं ना दम लगा के ये काम करो, तो दम लगाना पड़ता है, बड़ा दम होता है, जब दम बड़ा सा लगता है तभी कुछ काम बन पाता है। तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और इसका एरिया है 3,000 एकड़, और इसका निर्माण करवाया गया था 1947 में। जनरली मृदा अपरदन को रोकने के लिए, एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दमदमा झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए 1947 में दमदमा झील का निर्माण करवाया गया, सोहना गुरुग्राम। फिर आती है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है, ये है फर्रुखनगर में। सुल्तानपुर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और यानी नेशनल पार्क भी है, और ये है फर्रुखनगर। इसमें भी गुरुग्राम ऑप्शन कई बार नहीं मिलता है, डायरेक्ट जगह का ही नाम मिल जाता है फर्रुखनगर। नेक्स्ट है खलीलपुर। अब देखो खलीलपुर है वो भी कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरु होता है, गुरु बहुत बड़ा होता है, और खली भी बड़ा है, यानी हसपुस बड़ी बॉडी वाला। तो खलीलपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट कोटला। कोटला भी कहाँ है, गुरुग्राम में है। बसई आर्द्र भूमि, देखो ये जो झील, ये आर्द्र भूमि होती है ना, वेटलैंड, रामसर वेटलैंड साइट का नाम भी सुना होगा, जो ईरान में रामसर जगह है वहाँ से बनाई गई है। तो ऐसे ही बसई आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में। बारबेट झील हो ही गया है, सोहना गुरुग्राम। नेक्स्ट गुरुग्राम भीमकुंड। अगर ये नाम पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि गुरुग्राम में है, लेकिन कई बार ये पिंजोखड़ा जोहड़ के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो पिंजोखड़ा जोहड़ कहाँ है, गुरुग्राम में। अब मैप में देख लीजिए, मैप में गुरुग्राम कहाँ है, मैप में है गुरुग्राम ये रहा, ये यहाँ पर गुरुग्राम, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, गुरुग्राम। नेक्स्ट है भिंडावास, ये रहा भिंडावास झील। भिंडावास झील है झज्जर में। अब झज्जर में, अब देखो कई बार क्या होता है कि हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, तो हम भिंडी को थोड़ा पहले धोते हैं, और धोने के बाद उसको झरने के लिए रख देते हैं, यानी कि सूखने के लिए रख देते हैं, तो पानी झरता है, क्या होता है, पानी झरता है। तो भिंडावास झील कहाँ है, झज्जर में, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है, और यहाँ पर इसके आसपास का जो एरिया है उसको वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड हिसार और ब्लैक बर्ड हंसी। अब देखो ये आपको याद रखना है, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड कहाँ है, हिसार में है, और ब्लैक बर्ड कहाँ है, हंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल्या डैम, और हिसार में दिखा दूं आपको, हिसार मैप में है ये रहा हिसार, ये येलो लाइट येलो कलर वाला कौशल्या डैम या कौशल्या बांध। ये जो कौशल्या बांध है ये है पिंजौर में, और पिंजौर है पंचकुला में। नेक्स्ट बीबीपुर झील। बीबीपुर झील कहाँ है, कुरुक्षेत्र। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट टिक्कड़ताल। अब टिक्कड़ताल झील कहाँ है, मॉर्नी हिल्स, पंचकुला में है। अब यहाँ पर अगर आपको हरियाणवी आती है थोड़ी सी, तो टिकड़, टिकड़ आप समझ रहे होंगे, रोटी को भी बोलते हैं, और रोटी हम मोर को खिलाते हैं, तो मॉर्नी हिल्स पंचकुला। और वैसे अगर ये याद नहीं रहता है तो आप ताल, टिकड़ ताल से भी याद कर सकते हैं, टिकड़ ताल मॉर्नी हिल पंचकुला। नेक्स्ट है सुखना झील। हालांकि सुखना झील है वो चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर, और ये 1988 में नेशनल वेटलैंड में भी शामिल की जा चुकी है, सुखना झील चंडीगढ़। नेक्स्ट सघेल और उजीना। उजीना तो याद रह जाता है, उजीना झील नूह में है, कई बार इसको सघेल झील के नाम से भी पूछ लेते हैं। और लास्ट है चंदेल या चंदेली झील, ये भी मेवात यानी नूह में है, क्योंकि अब मेवात का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है। तो ये थी कुछ हरियाणा की इम्पॉर्टेंट झीलें, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो नदियों से रिलेटेड होगा। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी।
और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू.